बिल्ले रहा मानिए, हम इस वक्त साइकिट लेगो पे काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारा काम इस वक्त मेटा मॉडल्स पे चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता है काफी मेटा मॉडल्स आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द रीजन इज कि इसका जो आउटपुट वेरिएबल है बहुत एक्साइटिंग है। अब मैं आपको आउटपुट वेरिएबल का तो बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो मैंने रैंडमली डेटा सेट जनरेट किया है वो किस तरीके से किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पैंडास का डेटा फ्रेम बना दिया, ठीक हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे pd डॉट डेट रेंज, डेट रेंज जो है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पैंडास में, ठीक हो गया। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी डेट्स होती है हमारे पास, मतलब एक डेट की रेंज लेते हैं और उसके हिसाब से उस रेंज में जितनी डेट्स होती हैं वो सारी आ जाती है। यहाँ पे जैसे 2018 से 2021 तक आया है, तो लेट्स सी कि हमारे पास ही किस तरीके से शो। मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिखता हूँ df डॉट हेड करके, इसको चेक करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 2018 फर्स्ट जनवरी, 2018 सेकंड जनवरी किस तरह जा रहा है, और फिर मैं इसको टेल कर देता हूँ, टेल हो गया। अब आप थोड़ा सा फोकस करें, देखिए मैंने क्या किया, हेड और टेल की चेक किया, जितनी हमने रेंज दी थी उसी हिसाब से इसने हमारे लिए डेट टाइम का, या डेट डी टी डेट भी कह लें जो कह लें, हमारे पास डेट का जो पहला कॉलम है वो इस तरह बन गया, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि डॉट असाइन फंक्शन इसलिए यूज होता है कि जब आपने डेटा फ्रेम में कोई न्यू कॉलम असाइन करना हो तो डॉट असाइन से करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे फोकस करें, लैम्डा फंक्शन का भी आपको पता है कि जो इस कॉलम की जो राइट साइड पर होता है वो उसका आउटपुट होता है, यानी कि अब हम ये जो लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो है ये किस में जाएगी, ये एक्स में जाएगी, ठीक है, एक्स में। और एक्स पे कहाँ पे आ गया, एट दी एंड, एक्स हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम में आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह चल रहा है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब मैंने कहा है कि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन आर्गुमेंट, पहले हम देखते हैं कि एनपी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल किसे कहते हैं, एनपी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल होता क्या है, ये बेसिकली आपके लिए रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब भी आपके लिए नॉर्मल लिखा हुआ आएगा इट मींस डेटा कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। इस तरीके से एक बेल कर्व की फॉर्म में डेटा आपके पास जनरेट होगा, नॉर्मल का ये मतलब होता है, ठीक है। आप इस पे आप प्लॉट करके भी वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसकी जब भी आप कोई प्लॉट बनाएंगे तो वहां हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है होगा यहाँ पे देखिए तीन चीजें, ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है 1, और ये लिखा हुआ है df डॉट शेड 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 0 जो पहले नंबर पे होता है ये क्या शो कर रहा होता है कि आपके डेटा का मीन क्या है, ये बता रहा है कि हमारे जो डेटा जनरेट हुआ उसका मीन है 0, ठीक हो गया। और यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो 1 है, मतलब ये अपने डेटा से या मतलब अपने जो मीन से जो इसकी डेविएशन हो रही है, मतलब ये यहाँ से स्टैंडर्ड मीन को कहते हैं डेविएशन डेविएट कर, ठीक है। तो ये कितना डिविएट हो रहा है, 1 इस साइड पे हो रहा है और 1 इस साइड पे हो रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन काम करती है, ठीक हो गया। आपको मेरा ख्याल में अब ये समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब। अब तीसरी चीज के ये बता रहे हैं कि df डॉट शेप 0, और अब आपको भाई जनरेट कितने करना है ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो हमने इसे बताया कि आप मेरे लिए जनरेट कितने करो, जितना हमारे पास डेटा फ्रेम है जो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक लैम्डा फंक्शन के अंदर एक यूनिक बात है, वो मैं आपको बताना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर df दिया ना, अगर मैं यहाँ पर df ना भी दूँ, मैं यहाँ पे कुछ अपने आप से कोई q नाम का वेरिएबल दे दूँ और यहाँ पर भी q नाम का वेरिएबल दूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ठीक काम करेगा, एग्जैक्टली उसी तरह ठीक काम करेगा, ठीक है। देखें कोई मसला नहीं आया, क्यों। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, q वेरिएबल यूज किया यहाँ पे df के बजाय q। अब सवाल ही पैदा होता है क्यों, तो मैंने कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया, आप जरा इस पूरे उसको देख लें, कहीं पर मैंने क्यों को डिफाइन किया हुआ नहीं, तो इसने क्यों से कैसे ये शेप निकाल दिया,
इसका आप थोड़ा पॉज करें, थोड़ा सा सोचें, इंट्यूशन करें अपने जहन में, थोड़ा सा लाइक आप इस पे थिंकिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ऐसा क्यों हुआ है। वीडियो पॉज करें। अच्छा तो मैं अब आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीजन है। आप मुझे बताएं कि डॉट असाइन फंक्शन किस में यूज हो रहा है। ये जो हम डॉट असाइन कर रहे हैं, ये जो एट द एंड जो कुछ इस डेटा फ्रेम में जाएगा ये उसमें असाइन हो रहा है ना, लाइक ये मतलब बिल्कुल उसी में ही असाइन हो रहा है, किसी और चीज में तो असाइन नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर आप फोकस करें कि जो चीज जिस डेटा फ्रेम में असाइन होती है ये उसी की शेप को लेगा। ये अब आपने क्यू शेप डॉट शेप जीरो लिखा ना, शेप जीरो का क्या मतलब है? शेप जीरो मीन्स रोज और शेप वन मीन्स कि कॉलम्स कितने, रोज और कॉलम्स को चेक करने का। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो डेटा फ्रेम में जितना सब कुछ होगा उसका ले रहा है, ठीक है, उससे आपके रोज आ रही है। यहाँ पे आप क्यू लिखे जो लिखे, अब यहाँ पे देखें नीचे, अब मैंने इधर नीचे जो है क्या किया, नीचे डी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आप कुछ भी दे सकते हैं, इससे इतना इश्यू नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर भी नीचे भी चेंज कर सकते हैं, ये तो इसको मैं यहाँ पे एल कर देता हूँ, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ भी इसको एल। ये मैं आपको प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शन में अब आपने ये कर दिया ना, तो ये उसी डेटा फ्रेम को ही लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपने क्लियर दिया या नहीं, ठीक हो गया। हमने क्या किया, पहला कॉलम भी समझ लिया और दूसरा कॉलम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक्स है वो भी हमारे पास क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरीके से, ये जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया उस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, डॉट असाइन वीकेंड। अब आप वीकेंड पे थोड़ा फोकस करें, वीकेंड में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, लेमडा आ रहा है, ठीक है। वही मैंने कहा, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डीएफ का जो टीटी है उसमें डॉट डीटी डॉट वीकडेज। अब ये जो डॉट डीटी डॉट वीकडेज है ये डिफरेंट है, ये जो मेरे पास यहाँ पर डॉट डीटी डॉट वीकडे है ये हमारे पास इन इटसेल्फ बेसिकली प्री डिफाइंड है, ये वो वाला नहीं, ये डॉट डीटी डॉट वीकडे जो पैंडास है इसके अंदर प्री डिफाइंड है, पहले से गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक काम क्या किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ये मेरे पास, यहाँ पर आप देखें ना ये मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट मेरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर लेता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हुई है और यहाँ पर मेरी ब्रैकेट क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक हो गया। इस जगह पे ये मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ब्रैकेट का। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वन, अगर ये ट्रू हुई, अगर ट्रू ना हुई तो क्या आएगा, जीरो। या मैं फेल्स में पढ़ चुके हैं ना, जब हमारे पास ट्रू होता है तो वन आता है, जब वन ना, जब फॉल्स हो तो जीरो आता है। तो जब ये वन होगा तब हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मुझे आप बताएं हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन होते हैं ना, यानी वीक डे कौन सा आपका आएगा, 6 एंड 7। लेकिन अगर आप जीरो से मंडे को स्टार्ट करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे 5 एंड 6 पे आ रहे हैं। तो मैंने वीकेंड के लिए क्या किया कि अगर ग्रेटर या इक्वल टू 5 हो तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि क्या इस लाइन में बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस वक्त हमारे पास 1 से लेके 4 तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब 5 और 6 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि आप देखें, मैं यहाँ पे इसका करता हूँ, इसको हेड और इसको ले जाता हूँ 9 दिखा दो, फर्स्ट 9। तो देखें इसका मैं इधर इसको निकाल भी देता हूँ। अब आप जरा फोकस करें, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक 0 आ रहा है, सैटरडे एंड संडे तो क्या हो गया हमारे पास, या हमारे पास 1 1 आ गए। क्यों 1 1 आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहले 4 बारियों में 1 से लेके 4 तक यहाँ पे कंडीशन फेल होती थी तो 0 आता था, और जब कंडीशन ट्रू हो गई 5 और 6 पे तो क्या आया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो हमने तीसरा कॉलम भी समझ लिया, अब चौथे कॉलम पे आ गए। चौथा कॉलम क्या है हमारे पास, चौथा कॉलम है कि y इज इक्वल टू लेमडा, वही अब मैंने यहाँ पे l लिख दिया है, मैं चाहूँ df लिखूँ चाहे q लिखूँ, कुछ भी लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा df ही एक्सेस करेगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे अब आपके सामने इसको वापस डीएफ भी कर सकता, लेकिन इट्स टोटली फाइन, मैंने एल से दफा लिख लिया। मैंने लिखा एनपी डॉट वेयर। अब ये इसके लिए पहले आपको एनपी डॉट वेयर का पता होना चाहिए कि एनपी डॉट वेयर क्या होता है। एनपी डॉट वेयर आपको मैं इस तरह कर लेता हूँ, लिखा एनपी डॉट वेयर, बल्कि इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए यहाँ परमिशन, मैं कहता हूँ कि एज एक बंदा है उसकी एज है 21, तो क्या वो वोट दे सकता है? यस ही कैन गिव वोट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनपी डॉट एज वेयर इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18 देन यू कैन वोट, और एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसकी आपको मेंशन ना लें। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन वोट। अब इसका क्या मतलब है, एनपी डॉट वेयर में पहले कंडीशन होती है, अगर कंडीशन टू हो जाए तो कॉमे के बाद जो पहला जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो क्या होगा, कॉमे के बाद जो दूसरी कंडीशन सेकेंड कॉमे के बाद जो होगा वो रन होगा। यानी एक किस्म के फलसफे में क्या करना, 14 साल का बच्चा आ गया उसका तो वोट है नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो एनपी डॉट वेयर की लॉजिक आप लोगों को समझ आ गई कि इफ एल्स की तरह काम करता है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें लिखा है कि जब एनपी डॉट वेयर, अब ये कंडीशन है एल वीकेंड, एल वीकेंड यानी डीएफ का वीकेंड, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब हमारे पास वीकेंड में वन आ जाएगा, ठीक है। अगर वीकेंड में वन हो यानी कि वीकेंड आ जाए तो तुम जीरो असाइन करो, अगर ना हो तो कॉमे के बाद जो दूसरा ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये भी बेसिकली क्या कर रहा है, सिर्फ रैंडम डेटा जनरेट कर रहा है, कोई खास इसका मकसद नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आप देखें मैंने लिखा भी है गिव जीरो टू वीकेंड्स एंड रैंडम नंबर्स एंड रैंडम नंबर्स टू वीकेंड्स टू नॉन वीकेंड्स, ठीक है। यानी कि अब देखें जो वीकेंड नहीं है, मंडे को देखें, इसने रैंडम नंबर दिए मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब सैटरडे को देखें जीरो, संडे को देखें जीरो, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमने डेटा सेट जनरेट किया, लेकिन अब इस डेटा सेट का आउटपुट वेरिएबल पे फोकस करें, या तो हमारे पास रिग्रेशन की तरह कंटीन्यूअस डेटा है और या फिर एकदम क्लासिफिकेशन की तरह जीरो वाला डेटा है, ठीक है। ये मैं वाई की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर देखें हमारे पास क्या है, या तो बिल्कुल जीरो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल जीरो, जिस तरह जीरो होता है और वन होता है, यानी कि वीकेंड है और वीकेंड नहीं है, ये क्लासिफिकेशन की तरह की प्रॉब्लम, वीकेंड है और वीकेंड नहीं, लेकिन साथ में रिग्रेशन की भी प्रॉब्लम है क्योंकि न्यूमेरिक में भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करें, अगर हम सपोज इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं तो जिस वक्त हमें जीरो प्रिडिक्ट करना होगा तो ये हमें क्या प्रिडिक्ट करके देगा, ये हमें क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमें सपोज इसका करके देता है जी 0.01 प्रिडिक्ट करके दे सकता है, 0.2 भी प्रिडिक्ट, अगर ये 0.2 प्रिडिक्ट करते तो इस तरह 0.43 ऑलरेडी मौजूद है, इस तरह छोटे छोटे ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी प्रिडिक्शन ही खराब हो जाएगी। तो मसला ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे एक किस्म का समझ लें क्लासिफिकेशन का भी डेटा आ रहा है और जो रिग्रेशन है उसका भी डेटा आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं जीरो इंटीग्रेटेड रिग्रेशन, लेकिन पहले हम इसको एक्स वाई में भी तो स्प्लिट कर लेना। एक्स में आप देखें क्या आ रहा है, मैंने एक्स और वीकेंड दे दिया है, और y में देखें मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब आप थोड़ा सा फोकस करें, ये देखें अब आप इस पे थोड़ा फोकस करें, जीरो इन्फ्लेटेड रिग्रेसर के अंदर मैंने क्या डाला है, एक क्लासिफायर डाला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको पता है, और रिग्रेशन में मैंने रिज डाला है। अब ये रिज क्या चीज है, रिज कोई ये भी बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की एक फॉर्म है, ये भी लीनियर रिग्रेशन की एक फॉर्म है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ है, बेसिकली इसका जो लॉस फंक्शन है ना, जो मतलब चेक करता है कि आपके ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स और प्रेडिक्टेड में मतलब ये फर्क क्या, ये वो वाला जो काम है उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन के लॉस फंक्शन में मॉडिफिकेशन किए, तो उससे बहुत सारी और रिग्रेशन टाइप बनी, जैसे लेसो रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन है और भी है, तो ये उन्हीं में से एक है रिज, समझे, बस लीनियर रिग्रेशन लगी। तो हमने अपने जीरो इन्फ्लेटेड रिग्रेशन में क्या डाला है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी डाल दिया और रिग्रेसर भी डाल दिया, दोनों मिक्स कर दिए, और फिर हमने क्या किया, सिर्फ रिग्रेसर को भी चेक किया कि भाई रिग्रेसर को, फिर दोनों के क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी हमने चेक किया,
ठीक है, तो अब आप जरा दोनों में फर्क देखें, इसका कितना आ रहा है 97 जीरो इन्फ्लेटेड प्रेशर का, और जो लीनियर रिग्रेशन का जो आर स्क्वायर है वो देखें 84, कितना फर्क है, तकरीबन 13% से भी ज्यादा हाई एक्यूरेसी है। और आपको पता होगा अगर आपने मशीन लर्निंग प्रोसेस की एक्यूरेसी बढ़ाने में 13% एक्यूरेसी अगर एक जंप में बढ़ जाए तो वाओ दैट्स ग्रेट। तो यानी कि देखिए हमें क्या इससे सबक मिला, हमें ये सबक मिला है कि आपको सबसे पहले किसी भी डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। या हमें डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग की थी ना कि अच्छा यहाँ पे क्लासिफिकेशन वाला किस्सा आ गया, यहाँ पे रिग्रेशन वाला काम आ गया, तो हमें इसके लिए भाई मिक्स वाला यूज करना चाहिए, ठीक हो गया। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जरा यूनिक काम है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ चीजें देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।